हेलो दोस्तों, आपका स्वसंता चैनल में कहो कैसे हो आप। आज हम अपने वीडियो में आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। यानी आज हम बनाएंगे सूजी यानी रवा से इडली। इस इडली की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसे बिना सांभर के भी खा सकते हैं, यानी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जो थोड़ी तीखी भी हो और चटपटी भी हो। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का हेल्दी नाश्ता करने का मन करे ना, तो आप इस रेसिपी को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जो जल्दी से बन भी जाती है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना ही ज़्यादा झंझट है। इडली के साथ हम हरी धनिया की एक ऐसी चटनी बनाएंगे जो तीखी और चटपटी दोनों है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने किचन में, दिखाते हैं सूजी से इडली हम सूजी इडली बनाने के लिए। यहाँ पर हमने ले लिया है सूजी, एक कप भर के हमने सूजी को डाल दिया है और आधा कप सूजी हम और डाल देंगे, यानी डेढ़ कप हमने सूजी डाल दिया बर्तन में। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप सूजी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस कप से नाप के हमने सूजी को डाला था ना, उसी कप से नाप के हमने एक कप भर के यहाँ पर हमने दही ले लिया है। दही आपको एकदम ताज़ी नहीं लेनी है, दही में हल्की सी खट्टा टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आएगा। दही को हमने डाल दिया है, तो डेढ़ कप सूजी थी, एक कप हमने दही लिया है। अब आपको क्या करना है, दही और सूजी को अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने मिला लिया है, अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। आप पानी दे सकते हैं, पानी की मात्रा हमने थोड़ी कम ही रखी है, क्योंकि पानी हम अभी नहीं डालेंगे, पानी हम बाद में डालेंगे जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डालकर आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप क्या करेंगे, दही की जगह आप मट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन मट्ठा भी हल्की सी खट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं, बस हल्की सी खटास होनी चाहिए। अब पानी डालकर हम दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसे हम एक मिनट के लिए हल्का सा फेंट लेंगे कि जो सूजी है ना वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ी सी फ्लफी हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम प्लेट से ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी रह सकते हैं, नहीं तो आप 15 मिनट के लिए इसे आप छोड़ दीजिए। 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था, प्लेट को हमने हटा दिया। आप देख सकते हैं सूजी जो है काफ़ी थिक हो गई है। तो पहले आप इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चला दीजिए। अब आपको क्या करना है, पानी डाल देना। एक कप पानी हमने फिर ले लिया, पानी हमने नॉर्मल लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम हल्का सा पतला कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बस पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और पानी डालकर अच्छे से मिलाते जाइए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सूजी के घोल को हमने हल्का सा पतला कर लिया है। तो आप देख सकते हैं घोल को हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है, ना ज़्यादा पतला रखा है। जब हम घोल को चम्मच में ले रहे हैं तो घोल अपने आप गिर रही है। तो आप इस तरीके से सूजी के घोल को चम्मच या कलछी में लेकर देख लीजिए, कलछी को हल्का सा तिरछा करिए, घोल अपने आप गिरने लगे ना, तो समझ जाइए आपका घोल एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अगर गाढ़ा लगे थोड़ा सा पानी डालिए, लेकिन पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया इडली कुकर, इडली कुकर हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास के लगभग पानी डाल देना है। इस पानी को हमें गर्म कर लेना है, तो गैस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। अगर आपके पास इडली कुकर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई बड़े साइज किस तरीके से कढ़ाई ले लेंगे। आपके पास अगर इडली कुकर है तो आप इडली कुकर ले लीजिए, नहीं तो आप कढ़ाई में भी इडली को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कढ़ाई में भी हमने सेम उसी प्रोसेस 1 गिलास पानी डाल दिया। इस तरीके से आपको कोई स्टैंड रख देना है, अगर आपके पास स्टैंड हो तो स्टैंड रख दीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से छोटे साइज का कोई प्लेट हो या फिर कटोरी हो, कटोरी को पानी को बीचों बीच रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट ले लेना है जो कढ़ाई में आसानी से आ जाए। प्लेट को हमने रख दिया इस तरीके से, छोटे साइज का जो कटोरी ग्लास जो भी आपके पास हो जिसमें आप इडली बनाना चाहते हैं, तेल से ग्रीस करके रख दीजिए। और ग्रीस करने के बाद आप इसमें इडली बैटर को डालकर इसे अच्छे से ढक दीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिए। अब यहाँ पे हम इडली स्टैंड को तेल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे इडली आसानी से निकल जाए, चिपके ना। तो आपको भी कटोरी लेनी है, कटोरी को भी तेल से ग्रीस करनी है। अगर इस तरीके से आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड को भी तेल से ग्रीस कर लीजिए। इससे क्या होता है, जब इडली बनके ठंडी हो गई ना तो आसानी से निकल जाएगी। तो हमने स्टैंड को तेल से ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से नमक।
तो नमक पहले हम कम ही डाल लें, एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे नमक कम है तो नमक आप डाल दीजिएगा, लेकिन पहले आप नमक कम ही डालिए। नमक डालकर अच्छे से हमें मिला लेना है। नमक कम लग रही थी, थोड़ा सा नमक हमने यहाँ पे और डाल दिया। नमक डालकर फिर हम दोबारा अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। आपको सेम इसी प्रोसेस से इडली को बनाना है, तभी आपकी इडली स्पंजी बनेगी, टेस्टी बनेगी। नमक हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। छोटी चम्मच, आधा चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया है इनो। इनो आपको सबसे लास्ट में डालना है। जब नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए ना, तब आप इनो डालिए। इनो डालने के बाद आपको एक ही तरफ चम्मच को लाना है, फेंकना है। इस तरह ये नहीं करना है कि चम्मच को चारों तरफ से नहीं फेंकना, एक ही तरफ फेंकना है। और इतना ही मिलाइए कि जो इनो है अच्छे से सूजी के बैटर में मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने एक ही तरफ चम्मच को घुमाया है और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जितना एक एक कलछी के लगभग हम सूजी के बैटर को इडली स्टैंड में डाल देंगे। ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि यह बनने के बाद जब फूलती है थोड़ी सी। तो छोटे कलछी से एक कलछी के लगभग हम इडली के बैटर को डाल देंगे स्टैंड में। ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, और डालने के बाद इसे हल्का सा हिला दीजिए कि शेप अच्छे से आ जाए। फिर बचे हुए स्टैंड में हम इडली के बैटर को हमने डाल दिया, इस तरीके से हमने हिला दिया है। अब यहाँ पर हमने इडली डाल दिया है स्टैंड में, और पानी भी गर्म हो गई है। गैस को हम स्लो कर देते हैं, क्योंकि पानी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम जाली वाले स्टैंड को रख देंगे। स्टैंड रखने के बाद आपको इडली वाले स्टैंड को एक एक करके रख देना है। तो एक एक करके हमने इडली वाले स्टैंड को कुकर में रख दिया है। अब इसे हम ढक देंगे। ढककर हम गैस को स्लो कर देंगे। आप देख सकते हैं गैस को हमने एकदम स्लो रखा है 15 से 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट हो जाए ना, तब गैस को बंद कर दीजिएगा और इडली को आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन गैस को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, गैस को आपको स्लो ही रखना है। और स्लो फ्लेम पे आप 15 मिनट का वेट करिए। तो यहाँ पे हमने 20 मिनट के लिए कुकर को ढक दिया था। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो इडली है अच्छे से फूल गई है। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, इडली हमारी कहीं कच्ची तो नहीं है। तो इडली को चेक करने के लिए आप हमने चाकू ले लिया। चाकू को हमने इडली में लगाया। आप देख सकते हैं चाकू एकदम साफ निकल रही है। अगर आपकी इडली कच्ची रहती ना, तो चाकू में लग जाती। एकदम साफ निकल रही है, यानी इडली अच्छे से पक चुकी है, कच्ची बिल्कुल नहीं है। अब हम इडली को निकाल लेंगे। तो हम दूसरे स्टैंड को भी चेक कर रहे हैं। इडली दूसरी वाली भी इडली अच्छे से पक गई है। जो सबसे लास्ट वाली इडली थी, कभी कभी क्या शिकायत आती है, लास्ट वाली इडली में या लास्ट वाले बर्तन में पानी आ जाता। तो पानी आप ज़्यादा नहीं रखिए, थोड़ा कम ही डालिए। और जो बचा हुआ बैटर था ना, उसे हमने इस तरीके से कटोरी में रख दिया। और कटोरी में रखकर इसे भी हम 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इडली को हमने कुकर स्टैंड से बाहर निकाली। इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक गर्म है तब तक आप इडली को बिल्कुल नहीं निकालिएगा, नहीं इडली आपके बीच में से टूट जाएगी। इडली को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम तीखी चटपटी चटनी बना लेते हैं। मिक्सर जार में हमने डाल दिया 1 कप कटी हुई धनिया पत्ती, 4 से 5 लहसुन है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 4 लिया है। अगर आपको कम तीखी पसंद है या ज़्यादा तीखी पसंद है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से हम डाल देंगे नमक। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 चम्मच पकी हुई इमली। इमली को हमने 15 मिनट के लिए गर्म पानी भिगोकर छोड़ दिया था। तो इमली को गर्म पानी भिगोने से क्या होता है ना, इमली भी अच्छे से फूल जाती है और मैश करने में आसानी होती है। इमली को हमने सादे पानी से एक बार धो लिया। फिर इमली को मैश करके इमली के हमने सारे बीज निकाल दिए। तो इमली को भी हमने चटनी में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आइस क्यूब। पहले हम 2 आइस क्यूब डाले हैं। अगर चटनी में ज़रूरत लगेगी तो 2 आइस क्यूब हम और डाल देंगे, यानी ज़रूरत के हिसाब से आपको आइस क्यूब डालकर चटनी को बनाकर तैयार कर लेना। पानी आपको नहीं डालना है, पानी की जगह आपको आइस क्यूब डालना है। यहाँ पर हमने 4 आइस क्यूब डालकर चटनी बनाकर तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम डाल देंगे नींबू का रस। यहाँ पर हमने आधा नींबू लिया है। आधा नींबू का रस को छान के डाल देंगे। अगर आपको चटनी ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप 1 नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम आधा नींबू डालें, क्योंकि हमने इमली को भी चटनी में डाल रखा है। अब चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे नींबू के रस को भी। आप देख सकते हैं चटनी कितनी टेस्टी बनी है, कलर भी कितना अच्छा आया है। जब आप आइस क्यूब डालकर चटनी बनाएंगे ना, तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चटनी हमारी बन गई है और इडली भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इडली को हम एक एक करके निकाल लेंगे।
तो एक एक करके हम इडली को निकाले, चाकू को हम इडली के नीचे तक ले जा रहे हैं और हल्का सा कट लगाते हुए इडली को हम निकाल ले रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से इडली को निकाल लेना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इडली को ठंडा कर लेना है। अगर आप गर्म इडली निकालेंगे ना, इडली आपके बीच में से टूट जाएगी, उसे भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी इडली को हमने निकाल लिया है, तो हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं इडली हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है। जो हमने कटोरी में रखा था ना इडली बनने के लिए, वो भी इडली बन गई है और इडली हमारी ठंडी हो गई है। इसे हम इस तरीके से चाकू की सहायता से किनारे से कट कर लेंगे। तो आपको हमने इडली स्टैंड में भी बना के दिखा दिया, हमने कटोरी में भी बना के दिखा लिया। जो हमने कटोरी में रखा था वो भी आसानी से निकल गई, बिल्कुल नहीं लगी है। अब जैसे आपकी कटोरी की शेप है ना, उसी शेप में इडली बनकर तैयार है, एकदम उसी तरीके से शेप सॉफ्ट बनी है, स्पंजी बनी है। यहाँ पर हमने कटोरी और स्टैंड में इडली बनाकर तैयार कर लिया है। इडली को हमने थाली में रख लिया है, साथ में हमने हरी चटनी को भी रख लिया है, जिसे हमने काफ़ी तीखी और चटपटी बनाई है। अब हम इडली को तोड़ के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इडली आसानी से बीच में से तोड़ के इतनी सॉफ्ट बनी है, जालीदार बनी है, न ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस तरीके से सूजी से और दही से इडली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, यकीन मानिए खा के मज़ा आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है जब आप इडली बनाएं तो उसके साथ आप सांभर ही लें या कोई ऐसी चटनी लें जिसमें जिसे बनाने में बहुत ही मेहनत है। आप हरी चटनी बनाइए, यकीन मानिए खाएंगे तो उंगलियां चाट के ही रह जाएंगी। बहुत ही आराम से, बहुत ही झटपट से, बिना किसी मेहनत के बन जाती है, ना ही ज़्यादा सामान लगेगी। अगर आपको इस तरीके से सूजी से इडली बनाने का तरीका, चटनी बनाने का तरीका आपको पसंद आए, अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।